इंटीरियर आयसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है और आज का वीडियो बेड बैकड्रॉप के बारे में है और आप देख सकते हैं मेरे बैकड्रॉप में बेड है, ये मास्टर बेडरूम है। हम अभी हमारे नेहरू साइड पे हैं और इस साइड की पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ पर जितने भी वीडियो शूट किए काफ़ी सारे इन प्रोसेस वाले वीडियोज़ हैं। अभी तो साइड कम्प्लीट हो चुकी है बट प्रोसेस वाले वीडियोज़ भी इसमें हैं, सो मेक श्योर अगर आप घर का रिनोवेशन प्लान करने वाले हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे वीडियोज़ चेक कीजिए। हेडबोर्ड्स के ऊपर और भी हमने एक वीडियो बनाया है, सो मेक श्योर यू चेक दैट ऑल्सो। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसके साइड टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो साइड टेबल की जो विड्थ है उसी विड्थ में पीछे आप देख सकते हैं एक पैनलिंग किया हुआ है और साइड टेबल के टॉप से ये पैनलिंग स्टार्ट होता है और ये जो है ये एक्चुअली एक चारकोल मटेरियल है। सिमिलर मटेरियल हमने इसी साइड के टीवी यूनिट में यूज़ किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो मेक श्योर आप वो तो मेक श्योर आप वो देख लीजिए। तो वो जो पैनलिंग है डिफरेंट दिखता है इससे, ये जो है इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें शिमर भी है, तो एक रस्टिक लुक भी इसको है बट एट द सेम टाइम कॉपर काइंड ऑफ उसमें जो पार्टिकल्स है थोड़े से डिप्रेशंस है, ऑल्टरनेट पट्टे हैं इसमें। और इसका डिज़ाइन जो होता है सो एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर ओवरलैप होकर दूसरी स्ट्रिप लगती है, तो उसके जो स्क्रूज होते हैं फिक्सिंग वाले वो आपको नहीं दिखते। और ये स्ट्रिप हमने साइड टेबल के टॉप से स्टार्ट करके एकदम सीलिंग तक कंटिन्यू की है, जहाँ तक हेडबोर्ड वाला जो कुशनिंग है वो कंटिन्यू होता है वहाँ तक। और अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक खाँचा दिया हुआ है जहाँ से हमने लाइटिंग भी दिया है, तो एक बार इसका लाइटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखता है। तो इस साइड से पीछे से लाइटिंग देने की वजह से एक इनडायरेक्ट लाइटिंग आपको मिल जाएगा। तो अगर आप आपके बेडरूम में चाहते हैं कि पीछे से कोई लाइट हो तो सीलिंग में कई बार लोग को देते हैं या स्लिट देते हैं, अगर वैसे आपको नहीं देना तो आप इस तरीके से पैनलिंग करके उसके पीछे से भी दे सकते हो। एंड दिस मटेरियल इज़ रियली गुड मटेरियल इन द सेंस कि आपको लगाना बहुत ही आसान है और यही फिनिश प्रोडक्ट है। एक बार आपने ये लगा दिया तो उसके ऊपर आपको कोई भी पॉलिशिंग पेंटिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो रेडीमेड मटेरियल है। एप्लीकेशन बहुत फास्ट है तो आप ज़रूर देख सकते हो, उसमें कई सारे कलर्स में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। दिस इज़ नो वे अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट दिस इज़ अ गुड मटेरियल सो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विथ यू ऑल। और अब बात करते हैं बेड के पीछे जो हेडबोर्ड है उसकी। तो जनरली आपने देखा होगा कुछ बेड के पीछे हेडबोर्ड जो होता है एक 2 फीट तक या 2.5 फीट तक हेडबोर्ड देते हैं, और यहाँ पर हमने ये जो एक लाइट मटेरियल चूज़ किया और आप देख सकते हैं चेस्टरफील्ड पैटर्न है इसमें और ये हमने यहाँ पे कट किया है, बट उसके ऊपर हम चाहते थे कि सेम कुशनिंग वाला मटेरियल हो जिससे हम पीछे का पैनलिंग करें, तो इसके लिए हमने एक डार्कर फैब्रिक यूज़ करके पीछे पैनलिंग किया है जिसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं पैटर्न किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से कुशनिंग में नहीं चाहते तो आप उसको वुडन पैनलिंग भी कर सकते हैं, वुडन इन द सेंस आप प्लाई में कर सकते हैं और उसके ऊपर आप लैमिनेट लगा सकते हैं और बीच में ये जो जॉइंट्स है वहाँ पर अगर आप चाहते हैं उसको हाईलाइट करना या मेटल वाली आपकी थीम है तो आप मेटल इंसर्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं या आप उसको वीनियर में कर सकते हैं या कई बार मैंने देखा है लोगों को लोग टाइल्स भी यूज़ करते हैं, तो अगर आपको वुडन चाहिए तो भी आप टाइल्स यूज़ करते हैं, आप स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए आपने स्टोन लाया है और आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप इस पोर्शन के लिए स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं या आप एक्चुअली ये स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है आपको क्या यूज़ करना है। बट यहाँ पे हमने कुशनिंग हम कंटिन्यू करना चाहते थे इसके लिए हम वो टॉप तक लेके गए हैं, बट कलर हम चेंज करना चाहते थे तो कलर भी डिफरेंट है और स्टिचिंग जिस तरीके से किया है वो भी डिफरेंट है। अभी इस हेडबोर्ड का जो मेकिंग है या पीछे का ये जो पैनलिंग है उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसी साइड पे के एक हेडबोर्ड मेकिंग का हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये देखने में कि किस तरीके का फोम यूज़ होता है किस तरीके से बनता है तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसका जो कॉस्टिंग है वो भी मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको आपके घर के लिए बनाना है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पूरा सीलिंग तक लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप एक स्लीव जैसे मैंने कहा एक 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट का पट्टा ले सकते हैं, तो आप कॉस्टिंग भी इस तरीके से चेक में रख सकते हैं। अगर आपको कुशनिंग नहीं करना है तो आप पीछे लैमिनेट लगा सकते हैं, वीनियर लगा सकते हैं, तो बहुत सारे उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हाईलाइट करने के लिए आप दूसरा वॉलपेपर भी लगा सकते हैं या एक नॉर्मल आप टेक्सचर पेंट दूसरा देकर उस पर अगर आपको कुछ लाइट पॉइंट देना है या आपको कोई पेंटिंग लगाना है तो वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक वो हमने कई बार देखा है किया है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। टीवी यूनिट के वीडियो में जैसे मैंने कहा ये जो स्ट्रिप्स हैं इसका एक दूसरा ऑप्शन हमने यूज़ किया है तो वो भी बहुत खूबसूरत है, अगर पीछे कंप्लीट वॉल को आप करेंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ सेम बेडरूम के दूसरे वॉल पर हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और ये जो वॉलपेपर है अगर आप देखेंगे एक डीप डार्क कलर है जिसके ऊपर ओवरऑल एक प्रिंट है और जॉइंट्स ऑलमोस्ट
इनविजिबल है और इतने पास से भी जॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो कलर है ये मैच किया है हमने कर्टन्स के साथ, तो कर्टन्स भी देख लेंगे एक बार किस तरीके से। एक बेडरूम्स में आई थिंक जब एक ब्लू कलर या ग्रीन कलर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लू और ग्रीन एज कलर्स बहुत ही सूदिंग कलर्स हैं, कामिंग कलर्स हैं। तो बेडरूम्स में अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमने काफ़ी कम परसेंटेज में यूज़ किया है, पर अगर आप चाहते हैं तो ऑल कंप्लीट आप एक ब्लू कलर के कर्टन्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार खुद के घर का रिनोवेशन करने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे, और बाकी हमने जो एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें साइट के सारे वीडियोज़ है वो सारे वीडियोज़ भी देखिएगा, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, और अगर किसी भी वीडियो से इंस्पायर होकर आपने आपके घर में कोई चेंजेस किए हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।